बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के साथ ही उनके बेटे अभिषेक बच्चन, बहू ऐश्वर्या राय बच्चन और पोती आराध्या बच्चन को कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया। इन चारों का मुंबई के नानावती अस्पताल में इलाज चल रहा है। जया बच्चन के अलावा पूरा परिवार कोविड 19 से संक्रमित है और इन सभी को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे आराध्या बच्चन के दूसरे टेस्ट को लेकर अस्पताल के डॉक्टर्स ने क्या कुछ कहा है। आपको बता दें, सबसे पहले आराध्या बच्चन का जो टेस्ट किया गया उसमें वो कोरोना नेगेटिव पाई गई। उसके बाद आराध्या का स्वैब टेस्ट हुआ जिसके बाद पता चला कि आराध्या कोरोना पॉजिटिव है। आराध्या बच्चन के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद काफ़ी समय तक वो घर में ही आइसोलेटेड थी। जब आराध्या में कोरोना के सिम्टम्स ज़्यादा दिखने लगे उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया और अभी जो खबर आ रही है उसके आधार पर आपको बता दें डॉक्टर्स का कहना है आराध्या बच्चन फिलहाल 22 जुलाई को उनका दोबारा टेस्ट किया जाएगा। जी हाँ, 22 जुलाई को आराध्या ऐश्वर्या इन दोनों का दोबारा से टेस्ट किया जाएगा। अगर टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आराध्या का इलाज कुछ दिन और चलेगा और अगर नेगेटिव आती है एक दो दिन रेस्ट देकर आराध्या को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मिली जानकारी की माने तो आराध्या का सीटी स्कैन रिपोर्ट ठीक है, बुखार गले में इन्फेक्शन में सुधार है। आराध्या को फीवर जब उन्हें एडमिट किया गया तब था लेकिन अब नहीं है। डॉक्टर्स ने लगातार आराध्या को चेक किया है, बीएमसी से संपर्क में है, लगातार बच्चन परिवार के इन लोगों की हेल्थ अपडेट्स आ रही हैं। 22 जुलाई को दोबारा टेस्ट किया जाएगा, दूसरे टेस्ट के आधार पर फैसला लिया जाएगा। डॉक्टर अंसारी, डॉक्टर ब्रेव और उनकी टीम आराध्या को डिस्चार्ज करने को लेकर अंतिम फैसला लेगी और यही टीम डिसाइड करेगी कि आगे का इलाज कैसे किया जाएगा। आपको बता दें हर जगह से इलाज को लेकर खबरें आ रही हैं। आराध्या बच्चन बी टाउन की सबसे पॉपुलर स्टार किड, हर फिल्मी सितारे के दिल के सबसे ज़्यादा करीब, अंबानी परिवार के लिए इतनी ज़्यादा खास, उनके लिए हर कोई दुआएं कर रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।